ये पारी नहीं शुभमन गिल का तूफान था, क्योंकि मैदान पर जिस तरीके से शुभमन गिल ने कमाल की बल्लेबाजी की, जिस अंदाज में दोहरा शतक लगाया, उसके बाद में लगातार शुभमन गिल के इस पारी की, शुभमन गिल के कारनामों की, शुभमन गिल के रिकॉर्ड की लगातार चर्चा हो रही है। तो अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को शुभमन गिल के कमाल के कारनामे की बात बताऊंगा, क्या क्या कारनामे शुभमन गिल ने किए हैं इस पारी के बाद, कौन कौन से बड़े बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मेरे भाई सचिन को पीछे छोड़ दिया, विराट को पीछे छोड़ दिया, रोहित बच गए, और तमाम खिलाड़ियों के कारनामे शुभमन गिल ने एक ही पारी के दम पर तोड़ दिए। दरअसल सबसे पहले आप लोगों को बताया कि शुभमन गिल ने ओपनर के तौर पर यह बहुत बड़ा कारनामा 2023 में किया है। पहला 2023 का दोहरा शतक शुभमन गिल ने लगा दिया है, लगातार शतक पर शतक लगाते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि शुभमन गिल ने इस पारी के दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे तेज और सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले भारतीय ओपनर शुभमन गिल बन गए हैं। यह कारनामा पहले सचिन तेंदुलकर के नाम था, 186 रन सचिन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे, लेकिन अब दोहरा शतक लगाकर यह रिकॉर्ड शुभमन गिल के नाम हो गया। उसके बाद में दूसरा रिकॉर्ड शुभमन गिल ने बनाया है ओवरऑल भारतीय ओपनर के तौर पर, शुभमन गिल 1000 रन, सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा विराट कोहली के नाम था, विराट कोहली ने यह कारनामा 24 पारियों में किया था, लेकिन शुभमन गिल केवल 19 पारियों में 1000 रन बना चुके हैं। और अगर दुनिया की मैं बात करूं तो शुभमन गिल से आगे पाकिस्तान के फकर जमा है, जिन्होंने 18 पारियों में एक कारनामा किया था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभमन गिल कितनी तेज और रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते जा रहे हैं। तो वही अगर दोहरे शतक की बात करें तो सबसे पहला सचिन ने लगाया था आपको पता है, फिर सहवाग ने, फिर 3 दोहरे शतक लगाए रोहित शर्मा ने, और उसके बाद में ईशान किशन ने 2022 में लगाया था। उसके बाद में शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए भारतीय बल्लेबाजों की अगर बात करूं। लेकिन शुभमन गिल ने जिस तरीके की पारी खेली है, जिस तरीके से शुभमन गिल ओपनिंग में टीम इंडिया का एक भरोसा बनते जा रहे हैं, शानदार बल्लेबाजी करते जा रहे हैं, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि शुभमन गिल आज के दौर के सबसे बेहतर ओपनर है, सबसे बड़े बल्लेबाज हैं और सबसे धुरंधर खिलाड़ी हैं। तो आपका शुभमन गिल की इस पारी पर क्या कहना, और सबसे बड़ी बात शुभमन गिल ने जिन 149 गेंदों पर जो दोहरा शतक लगाया है उसमें 19 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के, कुल मिलाकर आप अंदाजा लगाइए कि शुभमन गिल ने 19 और 9 28 केवल 28 गेंदों पर 130 रन ठोक दिए। तो इस बात से आप शुभमन गिल की रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं, शुभमन गिल की धुआंधार बल्लेबाजी का इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपका शुभमन गिल की बल्लेबाजी पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।